फाइनली एफएसओ एग्ज़ाम के लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ चुकी है। आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने एफएसओ एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जहाँ आपको करंट अफेयर बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो अब बात करता हूँ आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करोगे। तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा, एसएसओ आईडी कुछ इस तरह से लिखना होगा, जिससे आपके नया पेज ओपन होगा, जिसमें पहला ही लिंक आप देख सकते हो, इस तरह से लिंक ओपन होगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ नया पेज इस तरह से ओपन होगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर इसी तरह पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी का नाम पूछा जाएगा। आपकी एसएसओ आईडी किस नाम से बनी है वो आपको यूजर नेम लिखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ कैप्चा डालना होगा। कैप्चा वही लिखना है जो आपके कोष्टक में नंबर है। अगर रॉन्ग नंबर लिख लिए तो आपके एरर आएगी और लॉगिन नहीं होगी। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना। अगर किसी कारणवश आप अपनी एसएसओ आईडी या फिर उसके पासवर्ड भूल गए हो तो अभी कोई बात नहीं। अगर आप अपनी एसएसओ आईडी का नाम भूल गए तो आई फॉरगॉट माई एसएसओ आईडी, इसके आगे जो क्लिक हेयर है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप एसएसओ आईडी के पासवर्ड भूल गए तो आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक कर देना, और आप अपने पासवर्ड और एसएसओ आईडी वापस से ले सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फिर से नया पेज ओपन होगा, जो कि इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपके नोटिफिकेशन में आपको देखना होगा। पहला ही पहला नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, क्लिक हियर टू नो योर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके कुछ इस तरह से ओपन होगा पेज, जिसमें लिखा हुआ नो योर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको लोकेशन बताई जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। अब एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, कहीं गुम हो गया, तो भी आपसे कोई बात नहीं, आप वापस एसएसओ आईडी में बैक जाओगे, जहां आपको रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। यहां आपके सभी फॉर्म आपने आज तक एसएसओ आईडी के माध्यम से जितने भी फॉर्म फिल किए वो आपको शो होंगे, और उसमें आपको फूड सेफ्टी का दिखा होगा। उसके आगे व्यू एप्लीकेशन लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर सकते हो। वहाँ से कॉपी करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद वापस से आपको कैप्चा लिखना होगा, जो कोष्टक में नंबर है वही लिखने होंगे। अगर दूसरे लिखे आप तो आपके एरर आ जाएगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्ट लिंक से भी ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके कुछ इस तरह से आपको लोकेशन बताई जाएगी, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। रिक्रूटमेंट नेम लिखा हुआ फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022, पोस्ट नेम फूड सेफ्टी ऑफिसर, एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, और इसमें आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा, सब्जेक्ट नेम फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल लोकेशन जोधपुर, एग्जाम डेट और शिफ्ट बताई जाएगी। मॉर्निंग शिफ्ट में 27 जून 2023 को, एग्जाम एक ही शिफ्ट में है, इसलिए आपको अब जोधपुर के अंदर किस स्कूल या कॉलेज में है, यानी कि आपका सेंटर जिस जिले में आता है उसके अंदर किस स्कूल या कॉलेज में है, ये आपके 24 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।